Dear children, welcome you all in the online classes of Bishop Academy. In the last class, we shall discuss about the series and parallel combination of capacitors. And in this class, we shall discuss a numerical based on the series and parallel combination. It's okay? Now, the question is, find the equivalent capacitance between A and B. सबसे पहले तो हमें A और B के बीच जो है, यहाँ B है और ये A है, इसके बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो चलते हैं, एक तरफ से लास्ट से शुरू करते हैं। देखा जाए तो ये इसका जो दूसरा एंड है, इसके पहले से कनेक्टेड है और इसका अगला इसके पहले से कनेक्टेड है। तो ये तीनों जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पर हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं। ईच 60 microfarad capacitors are in series. सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन किस ऑर्डर में है और फिर जो है हम लिख देंगे। तो हमने पाया कि ये तीनों सीरीज में है, तीनों सीरीज में है तो सीरीज का फॉर्मूला होता है 1/C equivalent = 1/60 + 1/60 + 1/60। या हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, तीनों अगर आइडेंटिकल हों, तो यहाँ पर तीनों आइडेंटिकल हैं तो सीरीज में आइडेंटिकल का फार्मूला होता है C/N। C की वैल्यू है 60, हर एक कैपेसिटर 60-60 का है और नंबर ऑफ कैपेसिटर है 3। कट करेंगे तो सीधा आ जाएगा हमारे पास 20 microfarad। ये करने की ज़रूरत नहीं है, हमें फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम C/N वाले फार्मूले से, आइडेंटिकल तीनों आइडेंटिकल हैं, इक्वल हैं, इसलिए हमने इससे कर लिया। क्लियर है बात? अब देखो, जब ये तीनों का इक्विवेलेंट मिल जाएगा तो हमारा सर्किट थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इन तीनों कैपेसिटर्स के बजाय अब हम यहाँ पर जो है तीनों की जगह पर एक कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, क्या 20 microfarad का। ठीक है, अब देखा जाए तो इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग देखा जाए और इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग, तो ये तीनों जो है आपस में क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इसका जो एंड है वहां जहां कनेक्टेड है, इन दोनों के भी एंड वहीं जाके कनेक्टेड है। तो ये तीनों अब कैसे हो गए पैरेलल? अब हम लिखेंगे 10 microfarad, 10 microfarad and 20 microfarad capacitor are in parallel. तीनों parallel में है। अब parallel का formula होता है C equivalent = C1 + C2 + C3। तीनों identical नहीं है, एक 10 का है, दूसरा भी 10 का है और तीसरा 20 का जो हमने अभी निकाला। तो तीनों मिलके हो गए 40 microfarad। ठीक है, 40 microfarad हो गया। अब हमारा जो न्यू सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा? ये 40 microfarad का A के पास है, यहां A है, ये है, और इन तीनों का, इस पूरे का इक्विवेलेंट आ चुका है हमारे पास 40 microfarad, जो कि इसके साथ सीरीज में होगा। तो ये भी 40 microfarad का हमारा जो न्यू रजिस्ट आया है, ये पॉइंट बी हो जाएगा हमारा, ये ए है बी है। अब 40-40 के दो जो है सीरीज में है, अब लिखेंगे 40 microfarad and 40 microfarad are in series। सीरीज में है तो इनका इक्विवेलेंट हो जाएगा हमारा C equivalent = फिर C/N लगाएंगे, प्रत्येक 40 का है और हैं दो, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 20 microfarad। ये हमारा नेट इक्विवेलेंट आ गया आंसर, पहला आंसर आ गया जो हमसे फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी पूछा हुआ था, ये हमारा आ गया 20 microfarad हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में पूछा हुआ है, आल्सो कैलकुलेट टोटल चार्ज दैट फ्लोज इन द सर्किट व्हेन 100 volt बैटरी इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच अगर हम 100 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं तो टोटल चार्ज क्या होता है? चार्ज Q = होता है C × V। हमें टोटल चार्ज निकालना है तो C इक्विवेलेंट लेना होगा,
सी इक्विवेलेंट आया 20 माइक्रो फैरड है तो उसको फैरड में बदल देंगे, माइनस 6 से मल्टीप्लाई करके, और वोल्टेज लगाना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 हो जाएगा। दो जीरो यहाँ है और एक जीरो यहाँ, 2000 इंटू 10 टू द पावर 6 माइनस 6 या 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलाम हो जाएगा ये, ठीक है, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 कूलाम हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो गया टोटल चार्ज। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, सीरीज और पैरेलल आपको पहचानना रहेगा। एक और क्वेश्चन है जो बार बार पेपर में आता है और हमें कंफ्यूज करता रहता है, ऐसे चार कैपेसिटर्स हैं 2, 3, 5, 10, 2 माइक्रो फैरड, 3 माइक्रो फैरड, 10 माइक्रो, 2, 3, 5 माइक्रो फैरड है ये, 5 माइक्रो फैरड और ये 10 माइक्रो फैरड, ठीक है। ये पॉइंट हमारा एक्स है और इधर ये लास्ट पॉइंट हमारा वाई है, बीच में एक पॉइंट ए है, यहाँ से दो कैपेसिटर्स छोड़ के यहाँ पर जुड़ा हुआ है और यहाँ से एक पॉइंट है जो 10 के जस्ट पहले जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम बी रखा गया है। इन पॉइंट्स के नाम नहीं दे रखे हैं, ए बी सी और डी हम खुद ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, कैलकुलेट लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए, देखिए इसमें जो है बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, क्योंकि देखने में तो लग रहा है सब एक लाइन में है लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक काम कर लेते हैं हम, यहां से ये जो प्लेट है हम इसको प्लस मार्क कर देते हैं, ठीक है, और ये जाकर के इधर से कनेक्टेड है हमारा इस वाले से, ठीक है, तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक ना, और इधर ये भी हमारा प्लस हो जाएगा, क्लियर है, ये हमारे प्लस वाले हो गए। अब दूसरे जो प्लेट्स हैं अगर वो सारे के सारे एक जगह कनेक्टेड होंगे, ध्यान रखिएगा हमने एक प्लेट्स को देखा इधर से जाके यहां से कनेक्टेड है, ये भी प्लस हो गया, ये इधर से जाके प्लस हो गया। अब अगर जो अदर टर्मिनल्स हैं, या अदर मतलब इनका जो दूसरा प्लेट है, सबके एक एक प्लेट पर मार्क कर दिया गया है, दूसरा प्लेट अगर भी सब एक जगह कनेक्टेड होगा तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। तो आइए, ये माइनस वाला है और ये भी माइनस होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे से यहीं आके जुड़े हैं और फिर ये ऐसे घूम करके गया हुआ है और फिर यहाँ पर ये जाके इसको माइनस कर रहा है। इसका मतलब ये माइनस वाले सारे के सारे एक जगह कनेक्टेड हैं और प्लस वाले सारे के सारे एक जगह कनेक्टेड हैं, मतलब इसको हम रिकम्बाइन करके ऐसे हम बना सकते हैं, एक जो हमारा कैपेसिटर है ये हमारा है 2 माइक्रो फैरड का, ये है 3 माइक्रो फैरड का और ये है 5 माइक्रो फैरड का, ये तीनों पैरेलल में है
और एक जो 10 माइक्रोफेरड का है वो अलग है, किनारे है, एकदम बाहर है, ये हमारा इसके साथ सीरीज में है। मतलब इसको रीड्रॉ करें अगर हम सर्किट को, तो हमको ऐसा मिल रहा है। देखिए सारे प्लस वाले एक जगह कनेक्टेड हैं और माइनस वाले एक जगह कनेक्टेड हैं, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। अब इनको जो है हम सॉल्व करें तो देखेंगे ये तीनों पैरेलल हैं और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होता है सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ये हो जाएगा 2 + 3 + 5, 5 × 3 = 10 माइक्रोफेरड। ये हमारा हो गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इनका, और ये भी 10 है, सीरीज में होगा दोनों आपस में। ये है हमारा 10 माइक्रोफेरड जो तीनों को मिला के आया, और एक 10 माइक्रोफेरड और है हमारे पास, ठीक है। तो ये दोनों मिलके अब हो जाएंगे सीरीज में है हमारा C equivalent is equals to, आइडेंटिकल कैपेसिटर के लिए होता है C by N, तो C की वैल्यू है 10 और N मतलब दो है, कुल दो हैं, तो 10/2 यानी कि 5 माइक्रोफेरड इनका इक्विवेलेंट हो गया। यही हमारा फाइनल आंसर है। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बोर्ड में भी पूछा गया है, 2000 में भी पूछा है, बाद और भी कई सालों में आता रहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बस ये कंफ्यूजिंग है आपका सर्किट, ठीक है ना। तो आप इस गलतफहमी में नहीं रहेंगे कि जो स्टैंडर्ड हमारा 10th का था वही यहाँ पर भी रहेगा सीरीज पैरेलल के रिस्पेक्ट में। यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन आएंगे ना, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिखने वाले क्वेश्चन आएंगे जिनको हमें जो है शार्पली पहचानना होगा कि क्या वो सीरीज में है या पैरेलल में है, ठीक है ना। तो इस तरह का रहेगा, सॉल्व करने में आसान पर पहचानना कठिन होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस के थ्रू ही हम जान पाएंगे, ठीक है ना। तो मोर एंड मोर जो आपके बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, ढेर सारे एग्जांपल्स हैं, उनको सॉल्व करिए, और जिन एग्जांपल्स में आपको डाउट होंगे वो आप कमेंट बॉक्स में भेजेंगे, तो उनका सॉल्यूशन हम जो है प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ओके, एक और क्वेश्चन है जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और देखा जाए तो ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है थोड़ा सा, बस सर्किट के मामले में कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सब इजी है। ए और बी के बीच हमें इक्विवेलेंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे इसको हम करेंगे। सबसे पहले इस पॉइंट और इस पॉइंट को तो ए ही नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को हम बी नाम ले लेते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी पता कर लेते हैं। इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो देखिए ये जो है हमारा, ये और ये दोनों पैरेलल हैं, ठीक है। तो दोनों पैरेलल हैं तो इनके बीच इक्विवेलेंट अगर हम निकालेंगे, पैरेलल का रूल होता है आपका सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 9 माइक्रोफेरड + 9, यानी कि ये हो जाएगा आपका 18 माइक्रोफेरड बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। अब दूसरा हम यहाँ पर निकाल लेते हैं, ओ सॉरी, ये बी तो ऑलरेडी है, ए एंड सी, बी यहाँ पर है तो ये सी लिख लेते हैं हम, ए एंड सी हो जाएगा 18 माइक्रोफेरड। ए और सी के बीच 18 हो जाएगा, इसका मतलब ये हट गया, अब यहाँ पर सीधा आ गया 18 माइक्रोफेरड का। सिमिलर वे में ये बी है और इसको डी हम नाम दे दें, तो बी डी के बीच यहाँ पर हम लिखेंगे इक्विवेलेंट बिटवीन बिटवीन बी डी, बी और डी के बीच इक्विवेलेंट निकालोगे तो देखा जाए तो ये इधर से आके कनेक्टेड है यहाँ पर और यहाँ पर, ये वाला 9 माइक्रोफेरड और ये नीचे वाला इधर कनेक्टेड है, तो ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही है। यहाँ पर भी सी इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 9 + 9 यानी कि 18 माइक्रोफेरड। यहाँ पर भी ये ब्रांच हट जाएगा और यहाँ पर अकेले एक रजिस्टर कैपेसिटर हो जाएगा 18 माइक्रोफेरड का। अब हम ध्यान से देखें तो ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों क्या है, सीरीज में है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे 18 and 9 microfarad कैपेसिटर आर इन सीरीज, सीरीज में
तो इनका इक्विवेलेंट होगा 1/C इज इक्वल्स टू 1/18 प्लस 1/9। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा 18, ठीक है, 18 तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ होगा 2। 3/18 हो गया, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 18/3 मीन्स 6 माइक्रोफेरड, ठीक है। अगर ये ऊपर वाला 6 माइक्रोफेरड आया तो ये भी 18 और 9 है, ये भी आपका 6 माइक्रोफेरड होगा। यानी कि न्यू जो हमारा सर्किट बनेगा, ऊपर जो हमारे ब्रांच में है वो 6 माइक्रोफेरड है, ठीक है, यहाँ से नीचे आया हुआ है, नीचे वाले ब्रांच में भी 6 माइक्रोफेरड हो जाएगा। ये पॉइंट हमारा ए है और ये बी है। ध्यान से देखो, ये मैंने ऊपर वाले 18 और 9 का किया है, नीचे भी 9 और 18 दोनों सीरीज में है, तो इनका भी यही 6 माइक्रोफेरड आया। मैंने नीचे डायरेक्ट लिख लिया 6 माइक्रोफेरड। अब ये दोनों ऑलरेडी क्या है, पैरेलल में है। अब इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, पैरेलल है ना, तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू C1 + C2, मतलब 6 + 6 इट मीन्स 12 माइक्रोफेरड। ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइनल रिजल्ट हमारा आंसर हो जाएगा ये, क्लियर है। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके पेपर में दिए हुए हैं। अब आप अपने बुक में एग्जांपल्स और जो क्वेश्चन है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस में कॉम्बिनेशन पर बेस्ड, आपके एसएल अरोरा के बुक में कॉम्बिनेशन, जैसे टॉपिक खत्म होगा कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस, वहां पर ये सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, आप करेंगे, सॉल्व करेंगे। और जिन क्वेश्चंस में आपको डाउट होगा उनको कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करोगे तो उनके सॉल्यूशन आपको बता दिए जाएंगे। इट्स ओके, सो वी टर्मिनेट दिस क्लास नाउ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।